ज्यादातर दर्शकों का ये सवाल है, कुछ लोग चाहते हैं मतलब पूछना, लेकिन हम सोचे चलिए पूछ ही देते हैं, आपका कोई गर्लफ्रेंड है क्या? नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से एक बवाल वीडियो लेकर, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे किसी नए क्रिएटर के साथ। हाँ जी, आप जो बगल में ये वीडियो देख रहे हैं ना, इनके साथ आज बात करेंगे, वो भी वीडियो कॉल। पिछले वीडियो आपने ऑडियो कॉल सुना था ना, लेकिन आज हम इनका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू लेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए फटाफट इनको कॉल लगाते हैं। आप लोग तो इनको जानते ही होंगे, इनका नाम है साजन अहीर, और इसके साथ में जो छोटका देख रहे हैं ना, इनका नाम है गोलू, और गोलुआ बहुत धमाल मचा के रखता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, तो ये बवाल मचा के रखे हुआ है और इनका वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। तो चलिए जरा इनसे बात करते हैं, आखिर इनका शुरुआत कैसे हुआ और कैसी इनकी गाड़ी चल रही है इंस्टाग्राम पर, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। सर्च करते हैं साजन अहीर भैया, हाँ आ गए। पहले एक हाई मैसेज कर दिया जाए, चलिए हाई मैंने मैसेज कर दिया इनको, अब इनको डायरेक्ट कॉल लगाता हूँ। चलिए तो मैं इनको कॉल लगा दिया हूँ। देखिए कॉल उठाते हैं भैया कि नहीं उठाते हैं, देखता हूँ। नमस्कार भैया, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, सब बढ़िया, अपना बताइए। एकदम मस्त एकदम मस्त। तो कैसा चल रहा है आजकल आपका दिनचर्या, सबसे पहले ये बताइए। आजकल का दिनचर्या का बात हो रहा था, जस्ट वन मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ रील्स वगैरह देख रहा था। चलो भाई, अच्छा रील्स देख रहे थे, लेकिन हम आपको सबसे पहले बता दे जी, मैं आपको सबसे पहले आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है और ये सोशल मीडिया पे चलेगा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, और मैं छोटा छोटा सा आपका जी, हाँ जिस चैनल पे भी ये चढ़ेगा, और अगर आप मतलब जब भी चढ़ेगा, अगर जिस जो भी आदमी मुझे देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार जी। और खैर मुझे तो नहीं पता अचानक अचानक कैसे, ले कोई बात नहीं, फिर भी नहीं, मैंने सोचा कि मतलब बहुत लोग हैं जो ऑडियो कॉल पे इंटरव्यू लेते हैं, मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ट्राई किया जाए और हमारे मतलब बिहार के जितने भी क्रिएटर हैं उनका ऑन वीडियो कॉल पे इंटरव्यू छोटा छोटा सा लेने का प्रयास है हमारा, ये स्टार्टअप है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सबको अच्छा लगेगा। और सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, परिचय तो खैर अगर कुछ लोग भाई लोग जान भी रहे होंगे, कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे, मेरा नाम हुआ साजन, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे आप लोग साजन अहीर से जान सकते हैं, और मेरा अगर पर्सनली नेम देखा जाए मतलब आधार कार्ड पैन कार्ड इस वाला में, तो नाम अरे नहीं वो आधार कार्ड मत बताइए, नहीं तो आपके नाम पर कोई और राशन उठाएगा। नहीं, हमारे कुछ दर्शकों का ना सबसे बड़ा सवाल बस इतना है कि आपके साथ में जो छोटका रहता है जो काफी ज्यादा बवाल मचा के रखता है, वो आखिर है कौन? है तो मेरा भाई के जैसा ही है, बट अपना भाई नहीं, आप लोग सबको बता दो, कितना लोग का सवाल होता है कि मतलब अपना भाई मेरे, हम लोग तो पहले मतलब दो भाई थे, अच्छा हम थे, बड़े भैया थे और एक मेरी दीदी थी, बट अब तो बड़े भैया इस दुनिया में रहे नहीं जी, और अभी फिलहाल के लिए मेरा भाई बहन सब कुछ अभी मेरा वही है, गोलू ही है। अच्छा गोलू, गोलू जिसका नाम गोलू है। गाइस आप जो बगल में ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो जो इसमें जो छोटा लड़का है वही हम उसी का बात कर रहे हैं, गोलुआ का, जो काफ़ी ज़्यादा बवाल आप लोगों को इंटरटेन करता रहता है हमेशा। हाँ तो अच्छा भैया एक बात बताइए, आपका ये सोशल मीडिया में स्टार्टअप कैसे हुआ? सोशल मीडिया का स्टार्टअप, देखिए हमको शौक तो बचपन से ही मतलब गाना करा है, और मतलब शुरुआत से ही गायकी करते करते, बट मतलब ज्यादा जागरूकता मुझे मतलब गायकी की तरफ पढ़ा, बट गायकी में सफल ना होने के कारण काफी दिन संघर्ष किए भी गायकी में, लेकिन संघर्ष मतलब सफल नहीं हुआ, तो उसके बाद मुझे मतलब फिर रील्स वाला सेक्शन में आना पड़ा, फिर टिकटॉक पे आया, टिकटॉक बंद हो गया, स्नैक पे आया, स्नैक बंद हो गया, धीरे धीरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आए, फिर इधर कुछ दिन पहले टिकी पे आए, टिकी पे खैर अच्छा खासा प्यार मिल रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको टिकी पे मतलब कहीं ना कहीं लोग आपको टिकी से ही जान रहे हैं, क्योंकि टिकी पे आपका जो स्टार्टअप था, हम लोगों ने एक आपका एक बहुत ही ज्यादा वायरल वीडियो देखा था, जिसमें ये वाला वीडियो था, मतलब क्या बोलते हैं ना कि बेच बाज के
कैसे अच्छा था वो हाँ वीडियो, हाँ जरा समझ से गया समझ एक्सप्लेन गया समझ कीजिए। गया। हाँ ऐसे था, बोला कि आज हमारे बाप के नाम पर है इसीलिए इतना कष्ट उठा रहे हैं, जरिए हमारे नाम हमारा पर हो नाम पर हो जाएगा तो गया ये ना। सब भेद बात के हाँ अमन मौखिक पटा लो, ये गोलू पटा लो था, बहुत खास अच्छा खासा बहुत वायरल हो बवाल गया चला था वो इंस्टाग्राम पे वीडियो। लगभग। टिक्की पे भी अच्छा चला था, इंस्टाग्राम पे भी लगभग 14-15 मिलियन के करीब व्यू था और बहुत सारे लोग डाले थे अपने अपने आईडी पे, सब पे अच्छा खासा व्यू गया। बात है ये जो आपका एक और कुछ दिन पहले एक वीडियो जब वायरल हुआ था, जिसमें वो जंगल का रास्ता, जंगल वाला जो वीडियो वायरल हुआ था, लगभग हमको लगता है 20-22 मिलियन के आसपास गया था वो वीडियो। हाँ, वो वीडियोस भी मतलब इतना कम टाइम में, मतलब वो डाले लगभग 2-3 दिन के बाद जो रीच धरा ना, मतलब एकदम 22-23 मिलियन के इधर रुका ही नहीं, वो वीडियो काफी मेरा चला और काफी अभी ज्यादा। अभी मैं मतलब फिलहाल ये भी देख रहा हूँ कि आप YouTube पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। हाँ, क्या करूँ अपना वही इसके फिराक में आजकल यही सब कुछ बन, अच्छा आजकल और सब यही खैर चल रहा है। हाँ, तो YouTube से अच्छा अच्छा खासा इनकम भी है ना, वहां पे जाने का बहुत जरूरी है, नहीं अपना हमारे सपना ज्यादातर तो खैर दर बड़ा करना, तो बिल्कुल YouTube जी जी बड़ा। हमारे ज्यादातर दर्शकों का ये सवाल है और कुछ लोग चाहते हैं मतलब पूछना, लेकिन हम सोचे चलिए पूछ ही देते हैं, आपका कोई गर्लफ्रेंड हाँ है हाँ क्या? बोलो। ये देखा रसलाल परमात चावल के रसनी गड़बड़ बतलाओ, गड़बड़ नहीं बात है नहीं ऐसे खैर नहीं पूछ ही नहीं, अलावा बता देता नहीं तो मेरा मतलब कमेंट्स में भी आते रहते, मेरे वीडियोस को भी कमेंट में आते रहते कि जी आपकी कोई जी है ऐसा कुछ तो हाँ, मैंने आपका ही है। वीडियो का कमेंट्स देखा तो मैंने चला सोचा कि चलिए आज पूछ ही दिया जाए। चला पूछ ले, कोई बात नहीं बता देते नहीं, फिलहाल में है तो नहीं बट ठीक, पहले बहुत पहले बहुत थी पहले। और आगे कोई? अच्छा वैसे प्रपोजल तो बहुत आते होंगे। बाप रे बाप, मैसेजेस अगर हम चेक करें अगर रियलिटी में, तो मेरी इतनी हाँ सारी आईडी है उससे मैसेज चेक करें तो बाप रे बाप, हम परेशान चांसेस पड़ते हैं अच्छा ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन मेरा एक तो मतलब मेरा एक डायलॉग फिक्स है भाई, तो कि मेरी वाली तो मेरी मम्मी ही लाएगी, बस यही मेरा, अच्छा जो मेरी इसी वाली बात होगी वो पे, मेरी नहीं मम्मी नहीं ही अगर लाएगी। इसी बात पे हम चाहेंगे कि आप अपने मतलब आप अपने स्वर में एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आपका गाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम देख रहे हैं एक दो गाना बहुत ज़्यादा आप। हाँ, तो कितने लोग सारे जानते भी होंगे नहीं भी जानते होंगे, मेरा एक सॉन्ग चला था इधर कुछ दिन ही पहले, चला था दुखवा दुगुना बढ़ोगी, ये सॉन्ग काफी अच्छा बजा मार्केट में, अच्छा खासा रील्स भी बने, अच्छा लगा मतलब, चलिए वही सॉन्ग सुना देता। वो सॉन्ग का बोल इस प्रकार से था कि नदिया में मिला हनी जानोगे नहरवा सुना लगोगे, कि अगर नदिया में मिला हो नहीं जानोगे नहरवा सुना लगोगे, कि अगर कैसन बनवा महारानी के जानू दुखावा दोगुना बढ़ोगे, ये था क्या वो बात है क्या काफी बात है, अच्छा था बवाल भाई। बहुत बवाल बहुत बवाल। गाइस मैं बता दूं, हमारे ये साजन भैया मगही के बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छा मगही गाते हैं, और मतलब क्या ही बताऊं, इनका जो वीडियो रहता है ना इनकी खुद की वॉइस में रहता है ज़्यादातर, तो आपकी खुद की वॉइस रहती है हाँ नहीं ऑलमोस्ट, नहीं हाँ मेरा सारा अपना पॉइंट खुद की वॉइस रहती मैं, है वैसे। हाँ अच्छा मतलब अभी इंस्टाग्राम पे टोटल मतलब लास्ट क्या ग्रोथ है आपका? मे बी मतलब कहने का मतलब कितना रीच सबसे ज्यादा वीडियो पर व्यूज आया हो क्या, हाँ टोटल तो अगर इंस्टाग्राम पे देखा जाए तो सबसे लास्ट मतलब एक वीडियो था लगभग करीब में 42 मिलियन के करीब में चला, वो सिर्फ ओनली फॉर इंस्टा पे चला उतना, और वही सेम वीडियो फेसबुक पे 25 मिलियन और किसी ने डाल दिया तो उस पे 27 मिलियन 28 मिलियन ऐसे करके, तो बहुत मतलब वो बयालीस सेम वीडियो। बयालीस मिलियन तक वीडियो चला है, हाँ, भाई मतलब चला। ये तो बहुत बड़ी बात है। साजन भैया थोड़ा सा हाँ आप अपने कुछ इंटरेस्ट के बारे में बताना चाहेंगे क्या? इंटरेस्ट को कहिए तो देखा जाए तो बस मेरा इंटरेस्ट उसी में है जो मेरा सपना तो बस जिंदगी में एक बहुत बड़ा कलाकार बनना है, मतलब समझिए और क्या, अच्छा जिंदगी में बहुत क्या, प्रोफेसर अच्छा बनना है लोग मुझे। क्या एम रखते हैं, एम क्या रखते हैं आप अपना कि फ्यूचर में क्या करना है, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एज अ प्लेबैक सिंगर के रूप में जाना है या फिर एज अ एक्टर के रूप में जाना है, कॉमेडियन, क्योंकि आपका तो वीडियो कॉमेडी कॉमेडी से रिलेटेड रहता है, तो एज अ कॉमेडियन जाना है, कैसे जाना है? नहीं, मुझे मत तो ऑलराउंडर, जैसे ऑलराउंडर कहने का मतलब कि खेसारी मैं लाल अपना बनना मतलब गुरु है, मान, खेसारी हाँ अपना लाल गुरु मैं बनना, मानता हूँ ये खेसारी वाला लाल पॉइंट ऑलराउंडर, बहुत बस तेड़ी के। देखिए अपने गुरु खेसारी के लाल जैसा बनना है बिल्कुल बस। बिल्कुल,
मतलब जैसे खेसारी उनके लाल अंदर, ऑलराउंडर है। हाँ उनके अंदर मतलब सिंगिंग का भी टैलेंट है, डांसिंग का भी टैलेंट है, कॉमेडियन का भी टैलेंट है, एज एक्टर, मतलब सब कुछ में ऑलराउंडर है, तो उसी वजह से मुझे लगा ये मेरा सपना है। बहुत 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 खूब बहुत खूब। अच्छा साजन भैया, अच्छा ये जो मतलब गोलुआ है वो मतलब आपके गांव का ही है या फिर कहीं किसी अदर गांव का है वो लड़का? नहीं नहीं मेरे घर के जस्ट बगल में उसका घर, ये जैसे मेरा घर हुआ तो जस्ट उसके बगल में उसका। अच्छा एक चीज़ सबके माइंड्स में रहता है कि फॉलोअर्स आने के बाद लोगों के अंदर थोड़ा सा एक अलग एटीट्यूड आ जाता है, क्या आपके निजी जिंदगी? ऐसा तो नहीं, मतलब लोग कह सकते हैं कि मैं भी, देखिए मतलब कभी कभी होता है, मैं तो अपने मतलब फॉलोअर्स अपने सब्सक्राइबर्स के प्रति ऐसा कभी नहीं रखता हूँ कि हाँ भाई मैं ज्यादा, हाँ मैं ज्यादातर कभी कभी बिजी रहता हूँ तो मैं तो ज्यादातर फोन पिकअप नहीं कर पाता, मैं अपने तो बात करते हैं लोग मेरे टीम से बात कर पाते हैं, वरना हम बहुत कम टाइम दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अगर साजन टाइम दिया तो जरूर किसी का यूट्यूब चैनल मतलब मोनिटाइज नहीं हो रही है, नहीं मतलब कुछ भी सवाल पूछते हैं तो मैं आपके लिए ले जाता हूँ, टाइम दिए नहीं सच बताया तो हमको भी यकीन नहीं था कि इस वक्त आप हमारा कॉल उठाइएगा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कॉल नहीं, इस टाइम में मैं फ्री रहता हूँ, मैं देखा जाए तो करीब मैं शूट करके आता हूँ लगभग 6 साढ़े 6 बजे करीब मैं आता हूँ शूट करके, उसके बाद मे भी 9 बजे तक मैं मतलब फ्री रहता हूँ, उसके बाद मैं रात में लगभग 12 बजे तक बिजी रह जाऊंगा, और दिन भर तो पूरा बिजी रहूँ, क्योंकि सुबह उठना है, वीडियोज डालना है, बहुत सारी आइडिया चलती है, और सुबह उठ के वीडियोज डालना है भाई, और फिर उठ करके फिर खाना वगैरह खा करके अपना सिंगिंग का रियाज भी करना होता है सुबह सुबह, फिर उठ करके ब्रश व्रश वगैरह खाओ, खाना वाना खाओ, फिर से तुरंत लॉन्ग वीडियो का स्क्रिप्टिंग में लग जाओ, उसका स्क्रिप्टिंग करके फिर शाम को 6 बजे मतलब 3 बजे निकल जाओ शूट करने के लिए, 3 से 6 बजे तक शूट करो, और वही शूट करने के बाद का जो ये भी शाम का टाइम बस इतना बजे तक मतलब हम फ्री रहते अच्छा जैसे कि आप स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप किए थे ठीक है, तो उस टाइम मतलब आपके और लोगों के बीच जो कनेक्टिविटी था और इस वक्त जो आपके और आपके आसपास समाज की जो कनेक्टिविटी है वो कैसा है और कैसा इम्पैक्ट पड़ा है आपके निजी जिंदगी पे और कैसा बदलाव दिखता है? अरे बाप रे, इसमें अगर ये पूछे तब तो देखा जाए तो खैर मेरे साथ ही नहीं, मैं जहाँ तक सुनता हूँ ऐसा तो ज्यादा मतलब ज्यादातर तो सुनता हूँ कि सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, एज ए क्रिएटर सभी क्रिएटर्स के साथ होता है कि हाँ भाई स्टार्टअप की हो ये क्या मतलब लौंडियाबाजी कर रहे हो, ऐसा ना चनिया कर रहे, मतलब बहुत कुछ सुनते, लेकिन मैं तो सीधा एक टारगेट बनाए थे करेंगे तो करेंगे करेंगे तो करेंगे यही था बस, मतलब स्टार्टिंग में लोग आपको नचनिया मतलब क्या कर रहा है ऐसा कुछ बोलता था? हमको कुछ करना है, लोगों के दिल में जगह बनाना है, आज तो अब जब अगर बाजार निकलते होइएगा, जब मार्केट में निकलते होइएगा तो लोग आपके बारे में बातें जरूर करते होंगे, बात ही नहीं करेंगे फिर तो खैर ये माहौल बनाएंगे, बिल्कुल बनाए बहुत मेहनत लगा है इस यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अभी आप खुद ही अकेले पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं और सारा बहुत सारा वीडियो एडिटिंग वगैरह सब रहता है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अच्छा एक मतलब सवाल लास्ट आखिरी समझिए, कितना कमा लेते हैं सोशल मीडिया से? कमाने के तो ज़्यादा नहीं लेते, बस अपना अपना टीम का खर्चा निकाल लेते हैं, बस इतना जान लिया, अपना खुद का खर्चा, घर का खर्चा तो नहीं बोल सकते बट अपना और अपना मतलब टीम का खर्चा, बाकी वीडियोस का खर्चा जो भी लगाना होता है वो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा वीडियो में जो बजट लगता है और बाकी जो टीम को मैनेजमेंट में जो खर्च लगता है वो आ जाता है? हाँ उतना आ जाता है कि मैं तो मतलब अपना टीम का मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपना खुद का मैनेज कर लेते हैं। अच्छा टोटल कितना टीम है आपके साथ अभी? मेरे साथ अभी लगभग 8 लड़के काम कर रहे हैं। 8 लड़के काम कर रहे हैं, मैंने देखा लास्ट वीडियो में एक लड़की भी है आपकी वीडियो में। हाँ हाँ वो अभी उसका नाम है अंजलि नाम है, जो छोटी सी बच्ची है मेरे जस्ट गांव के बगल में ही, तो अभी वो मतलब टीम में अभी नई ऐड हुई है और काफ़ी अच्छा एक्ट करती है, आशा करें किसी प्रकार से एक्ट करते रहे ताकि उसका नाम। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही देखा, मैंने उस वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि अच्छा एक्ट है और उसमें और अगर एक अच्छा मतलब क्या बोलते हैं ना डायरेक्टर का अगर हाथ पड़ जाए उसके ऊपर तो बहुत अच्छा कर सकती है धीरे धीरे, क्योंकि कोई बिल्कुल पब्लिक का प्यार उसे शुरुआत में मिला, मतलब हम लोग के साथ अभी आया हुआ उस लड़की को ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र देखा जाए तो 20-25 दिन हुआ है,
और अच्छा खासा वायरल, इतना कम टाइम में ही मूवी इंडस्ट्री में एक अच्छा क्रेज बन गया, जैसे ही आई तैसे ही। अच्छा अभी अच्छा कोई आपका गाना वाना आने वाला है क्या मगई में? हाँ गाना तो बहुत जल्द आने वाला है, इधर लगभग देखा जाए तो 2-3 सॉन्ग और लगभग 5 सॉन्ग और अभी रिकॉर्ड है, बस उसका वीडियोज करना बाकी अपना भी कॉमेडी देखना पड़ता है उसी गाना थोड़ा सा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत ही जल्द भैया का गाना आने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा रील्स बनाने के लिए। और आप लोग के लिए एक छोटा सा ऑफर हमारे तरफ से ये है कि अगर इनके गाने पर अगर वीडियो बनाते हैं और आपका वीडियो अगर वायरल होता है, ऑलमोस्ट 5 मिलियन क्रॉस कर जाता है, तो हमारे तरफ से आपको 10,000 रुपये गिवे के रूप में। क्या बात, लव यू मेरे तरफ से। अरे थैंक यू, तो हमारे तरफ से रहेगा, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए और बहुत ही जल्द गाना आने, क्योंकि भैया का आवाज़ जो है ना सच में बहुत ही बवाल है, माता सरस्वती का इनके ऊपर कृपा है और बहुत ही अच्छा एक्ट भी करते हैं। तो जो आप लगातार देखिए इतना प्रयासरत हैं कि ये लगातार आप लोगों को हंसाने के लिए पता नहीं कितना रात रात भर जग करके स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद आपके लिए वीडियो लेकर, आपको तो लगता होगा ये 15 सेकेंड का वीडियो है, 30 सेकेंड का वीडियो, लेकिन ये 15 और 30 सेकेंड की वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता होगा। अच्छा वो सारा स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं या फिर आपका कोई राइटर भी है? नहीं नहीं हम रहते हैं और मेरे साथ एक और है टीम में, मेरा मनीष राम है, बाकी क्या मतलब टीम के सारे लोग हम लिखते। अच्छा हैं पूरा ऑल ओवर टीम वर्क, मतलब टीम के सारे लोग लगभग लगभग बैठ के लिखते हैं। शॉर्ट का अपना अपना स्पेशल सब लोग लिखता है, बट लॉन्ग के लिए जिससे डिस्कसिंग जरूरी है ना कि ये चीज सही नहीं भाई, ये चीज ला भाई, ये चीज नहीं, ये चीज तो लॉन्ग के लिए मतलब टीम वर्क, टीम का डिस्कशन के साथ ही होता है। अच्छा हम चाहेंगे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट बस सिंगिंग लाइन में, कॉमेडी लाइन में तो खैर थोड़ा मेरा नहीं, अगर मान लीजिए अगर इंस्टाग्राम पे 4 लाख फॉलोअर्स हैं तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 1 मिलियन, या फिर यूट्यूब पे हो सकता है कि 1 मिलियन, किस टाइप से या फिर कुछ और भी हो सकता है कि हमारा ये टारगेट हम इसको अचीव करना है, तो क्या टारगेट है? टारगेट बस वही यूट्यूब का, यूट्यूब चैनल बस इतना जल्दी, अभी तो फिलहाल के लिए तो बस शौके के ही पीछे दौड़े हैं, लेकिन वो तो शौके वही जाएगी, इतना जल्दी इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि शौके तो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, 1 मिलियन 10 मिलियन उसके बाद क्या क्या होगा पता नहीं। तो गाइस जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साजन अहीर ऑफिशियल आपको स्क्रीन पे बगल में दिख रहा होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही 100K पूरेगा और लास्ट सब्सक्राइब जिसका रहेगा उसको साजन भैया की तरफ से पार्टी रहेगा, पिज्जा पार्टी। देखिए हम आपका खर्चा करवा रहे हैं। पिज्जा ही क्यों भाई, वहाँ नहीं वो 100K हो गया, तो मैं खुद मतलब ऑनलाइन आ करके और सभी को बिल्कुल थैंक यू दिल से बोलूंगा, क्योंकि इतना जल्दी यूट्यूब पे इतना ज्यादा प्यार मिल जाना खैर छोटी मोटी बात नहीं, वो भी लॉन्ग वीडियो पे, शॉर्ट्स पे तो सभी को मिल जाता है, लॉन्ग पे मिलना इतना। देखिए ऐसा ना हो कि 100K का लास्ट सब्सक्राइबर बनने के चक्कर में आप उतना दिन इंतजार ना करें, पहले सब्सक्राइब कर लो भैया, पहले सब्सक्राइब कर ले। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया का, और आप अपने न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे और आपके जो सब्सक्राइबर है उनको कुछ कहना चाहेंगे तो बताइए। बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से प्यार देते जाइए, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज आप लोग के बीच में आते रहेगा हमेशा, और बस इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से लगा। अच्छा अच्छा आप अपना ना कोई एक डायलॉग जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो वाला हम चाहेंगे सुनाइए। डायलॉग तो ऐसा कुछ नहीं, मैं एज ए मतलब क्रिएटर हूँ तो मुझे तो ज़्यादातर मतलब माने तो क्रिएटर, और नहीं तो फिर एक सिंगिंग सिंगिंग में तो अपना मेन डायलॉग क्या होगा, ऐसा थोड़ी मैं सनी देओल हूँ भाई तो मेरा ये डायलॉग है मेरा वो डायलॉग। मेरा कोई डायलॉग नहीं, बस इतना डायलॉग मैं जानता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आपका ना मगही में जो मगही का एक अलग रेजिमेंट है पूरे बिहार में, तो उधर आपका एक अलग पकड़ है, तो हम चाहेंगे कि आप उसी अंदाज में कोई डायलॉग सुनाइए लोगों को जो थोड़ा सा जी। हाँ बस ये सब कि जब तक तोड़ दो मैं तब तक छोड़ दो मैं। तेरी के गागा जब गजब, बहुत बहुत धन्यवाद साजन भैया। तो कैसा लगा ये मतलब कि ये फोन पर छोटा सा इंटरव्यू दे करके? मैं तो अचानक आया कॉल तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं तो रील्स देख रहा था, अरे भाई ये क्या अचानक बता रहे कि इंटरव्यू हो रहा है, तो शॉक हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि फिर हमें मौका मिले, क्योंकि आप काफी ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन चाहेंगे कि फिर से कभी मौका मिले तो जरूर दीजिए लाइक।
बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने पब्लिक के साथ घूमने में टाइम निकालने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, धन्यवाद।